दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भारत जांगिड़ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। दोस्तों आज का वीडियो हमारा 226 रोटरी हैमर ड्रिल मशीन के बारे में। इस मशीन के हेड को किस टाइप से खोलना है, किस टाइप से फिट करना है और कौन सा स्पेयर खराब है, कैसे निकालना है, कैसे फिट करना है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो पूरा देखना है, ध्यान से देखना है ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक बार मशीन को चलाकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए, हैमर मोड के ऊपर मशीन घूम रही है, चल रही है, बाकी साउंड इसका बिल्कुल स्मूथ नहीं आ रहा है, कुछ फटाफटा सा साउंड आ रहा है, बिल्कुल मशीन अच्छे से नहीं चल पा रही है। इसके बाद में दोस्तों मशीन को तो इसको खोलना होगा क्योंकि हेड में कोई बैरिंग वगैरह टूटा हुआ लग रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी नॉब को निकालेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले नॉर्मल मोड पे कर लेंगे, उसके बाद में नॉब को एक्स्ट्रा दबाएंगे, कोई शाफ्ट वगैरह ले लेंगे इस टाइप से और इस पोजीशन में कर लेंगे और इसको बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं ये मार्किंग है, और इसको आगे से दबा के रखेंगे थोड़ा नॉब को ताकि उछल नहीं जाए क्योंकि स्प्रिंग होती है, काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। इसके बाद में हेड के चारों स्क्रू यहाँ पर फटाफट से खोल लेंगे और हेड को हम यहाँ पर खोलेंगे। इसमें भी आपको सावधानी रखनी है, ये देखिए स्क्रू खोलने के बाद में डायरेक्ट नहीं खींचना है, पतला स्क्रू ड्राइवर लेना है, यहाँ से बीच में लगाना है, एल्युमिनियम फ्लेंच को रोक के रखना है और हेड को आगे की तरफ खींच लेना है। ये देखिए हेड निकल जाएगा, पूरी मशीन खोलनी नहीं पड़ेगी पीछे से। और लॉन्ग गियर को यहाँ पर चेक कर लेंगे, ये देखिए लॉन्ग गियर, इसका लॉन्ग गियर के ग्रुप और जो चिड़िया बैरिंग है दोनों ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हेड के अंदर ये रैचेट के अंदर ही रह जाता है, इसका स्ट्राइकर है, इसको ठोक कर निकाल लेंगे। स्ट्राइकर को भी चेक कर लेंगे, स्ट्राइकर की रिंग को भी चेक कर लेंगे, दोनों ओके है, कोई दिक्कत नहीं। अब चेक कर लेते हैं मशीन का हेड। तो यहाँ पर ये देखिए जो नीडल बैरिंग है, यहाँ पर जो हमारी पेंडुलम बैरिंग के अंदर होता है, ये देखिए ये यहाँ पर पूरा टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मशीन पूरा प्रॉब्लम दिखा रही है। तो यहाँ पर इसके बाकी पार्ट भी इसके अंदर होंगी, बोल वगैरह बैरिंग की, तो इसे हमें कंप्लीट खोलकर साफ करना होगा। पिस्टन और इसको निकालने के लिए यहाँ पर यू पत्ती को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले यू पत्ती को निकाल देंगे बिल्कुल और इसको रख देंगे साइड में। इसके बाद में टेपर बैरिंग को आगे खींचते ही जो पिस्टन है हमारी काफ़ी आसानी से निकल जाएगी। जो हमारी पेंडुलम बैरिंग की शाफ्ट है उसके अंदर पिस्टन सेट होती है। तो चलिए पेंडुलम बैरिंग को, राउंड गियर को और स्प्रिंग को पूरे को निकाल लेंगे। ये प्लास्टिक का जो पार्ट है ये देखिए इसको भी निकाल देंगे। यहाँ पर जो आर्मेचर का जो शाफ्ट का ग्रुप है इसको यहाँ पर चेक कर लेंगे, शाफ्ट के जो गियर है बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब ये बाकी जो सिस्टम है इसको यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो ये स्प्रिंग है और ये राउंड गियर है, ये देखिए राउंड गियर के ऊपर वाले जो ग्रुप है इनको चेक कर लेना है, और ये रोलर बैरिंग है ये भी इसका चेक कर लेना है, आपको टूटा हुआ तो नहीं है, ये यहाँ पर इस टाइप से लगा होता है। और ये जो ग्रुप है ये देखिए जो हमारा पेंडुलम बैरिंग है उसके अंदर के ग्रुप इनको भी चेक करना है, और ये जो ग्रुप है हमारे राउंड गियर के अंदर के ग्रुप तो इनको भी चेक करना है। ये हमारा लॉन्ग गियर इस राउंड गियर के अंदर यहाँ से सेट होता है और इसको इस टाइप से घुमाता है, इसके ग्रुप बिल्कुल कटे हुए नहीं होने चाहिए वरना ये स्लिप करेगा, मशीन अच्छे से वर्क नहीं करेगी। तो इसके ठीक है अंदर के बाहर के। और यहाँ पर दोस्तों ये देखिए पेंडुलम बैरिंग के अंदर राउंड गियर को इस टाइप से लगा कर भी आपको चेक कर लेना है, इसमें भी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए वरना ये भी स्लिप करेगा तो मशीन इससे भी अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। तो मशीन के सभी गियर वगैरह बिल्कुल ओके है, कोई सा भी गियर इसका ख़राब नहीं है। तो सिर्फ इसका नीडल बैरिंग टूटा हुआ है, इसको हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं इसका नीडल बैरिंग। तो निकाल लेते हैं स्पेयर पार्ट से नीडल बैरिंग, इसका HK0910 नंबर का ये नीडल बैरिंग होता है, इसको यहाँ पर इस टाइप से लगाकर PVC हैमर से आपको ठोकना है, लोहे के हैमर से ये ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर पेंडुलम बैरिंग हमारा कंप्लीट हो गया है, लॉन्ग गियर को लगाकर चेक कर लेंगे, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं इसकी फिटिंग स्टार्ट। तो मशीन को सबसे पहले वाइस के अंदर यहाँ पर लगाकर खड़ा सेट कर लेंगे इसको, ताकि हिले डुलेगी नहीं, पकड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर एटलस का जो जेल ग्रिस का हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले जो आर्मेचर का गियर है उसके अंदर यहाँ पर लगाना है क्योंकि इसमें बाद में ग्रिस नहीं पहुँच पाता है। अब लगाएंगे बाकी के स्पेयर पार्ट्स। तो यहाँ पर राउंड गियर, स्प्रिंग वगैरह ये सभी को यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग को लगाएंगे नीचे, प्लास्टिक वाला जो पार्ट है स्प्रिंग के नीचे लगता है उसको लगवाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद में राउंड गियर को लगाएंगे स्प्रिंग के ऊपर, इस टाइप से इसको लगाएंगे और इसको पूरा नीचे दबाकर रोक लेंगे। और जो हमारा ये देखिए जो टेपर बैरिंग है इसको लगाएंगे, रोलर बैरिंग टेपर बैरिंग के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर ग्रीस लगा देंगे नए वाले नीडल बैरिंग के अंदर, और पिस्टन की जो पिन है उसमें भी ग्रीस लगाएंगे, और जो बैरिंग को थोड़ा सा आगे खींच के रखेंगे टेपर बैरिंग को, और इस टाइप से पिस्टन को यहाँ पर सेट कर देंगे। टेपर बैरिंग को पूरा नीचे दबा कर रखेंगे और पीछे से लगा देंगे इसकी यू पत्ती को पीछे की तरफ से स्क्रू ड्राइवर से उठाकर इस टाइप से धक्का मारेंगे, ये लग जाएगी, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी।
तो पूरा जो सिस्टम इसका सेट हो गया है। इसके बाद में लगाएंगे हम पिस्टन के अंदर ग्रीस, तो पिस्टन के अंदर भी थोड़ा ग्रीस लगा देंगे और इसके बाद में इसमें लगाएंगे स्ट्राइकर। स्ट्राइकर को लगाते वक्त ध्यान रखना है वैक्यूम इसमें आना चाहिए, पुश कर देंगे नीचे की तरफ। ये देखिए हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। इस पर भी पूरे जो पार्ट्स हैं सभी पर ग्रीस का अप्लाई अच्छे से करना है। इसके बाद में रैचेट के अंदर भी यहाँ पर थोड़ा सा ग्रीस आपको लगाना काफ़ी ज़रूरी है, तो इस पर भी लगा देंगे। और अब लगाएंगे इसका हम लॉन्ग गियर, तो लॉन्ग गियर को यहाँ पर इस टाइप से लगाकर सेट करना है। घुमाकर भी चेक कर लेना है, पिस्टन अप डाउन होनी चाहिए, टाइट भी नहीं घूमना चाहिए, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लगा देते हैं गियर बॉक्स का हाउजिंग, और जो रैचेट है इसके अंदर ही हमारा सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाएगा। स्क्रू लगाकर सभी स्क्रू को पूरा टाइट कर लेंगे, तो लूज बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सभी को पूरा टाइट करना है, बिल्कुल अच्छे से टाइट करना है, क्योंकि मशीन चलते वक्त काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन करती है। ये देखिए बैरिंग का जो ये पार्ट है इसकी डायरेक्शन आपको चेक कर लेनी है, नॉब लगाते वक्त आपको देख लेना है, और नॉब को यहाँ पर पूरा यहाँ पर साफ़ कर लेंगे डस्ट वगैरह, ताकि ये आसानी से लग जाएगी। और नॉब को जिस कंडीशन में हमने निकाला है, जिस पोजिशन से, उसी टाइप से इसको पूरा प्रेस करके नीचे की तरफ लगा कर रोक लेंगे, और इस टाइप से इसको दबा कर रखेंगे, नॉर्मल मोड पर घुमा देंगे, चला कर चेक करेंगे मशीन को नॉर्मल मोड पर। हैमर नहीं करना चाहिए, ये देखिए चल गई है मशीन, स्मूथ चल रही है बिल्कुल, हैमर बिल्कुल नहीं कर रही है, साउंड अच्छा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हैमर ड्रिल पर कर लेंगे मशीन को, चला कर चेक करेंगे, वाइब्रेशन काफ़ी अच्छा आ रहा है, मशीन का साउंड भी काफ़ी अच्छा रहा है, फर्स्ट क्लास चल रही है। अब करेंगे हैमर मोड पर, ये देखिए बिल्कुल ओके चल रही है, घूम नहीं रही है, घूमनी भी नहीं चाहिए। वापस से कर लेंगे हैमर ड्रिल पर, और मशीन को यहाँ पर फॉरवर्ड कर देंगे, ये देखिए तब से रिवर्स चल रही थी। आपको ध्यान रखना है हमेशा मशीन को जब यूज़ करते हैं तो आपको मशीन को फॉरवर्ड ही चलना है, रिवर्स नहीं चलाना है, आपको उल्टा नहीं चलाना है। मशीन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, नई की तरह। दोस्तों मशीन एकदम कंप्लीट हो गई है, बिल्कुल नई की तरह, तीनों इसके मोड काम कर रहे हैं। इसके अलावा और किसी होम अप्लायंसेस, पावर टूल, मोनोब्लॉक की कोई भी रिपेयरिंग जानकारी चाहिए तो सभी तरह की रिपेयरिंग वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगी। दी गई जानकारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।